प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू किया था, उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डेवोनियर के ट्राइड्स, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की। आज हम उससे जो नेक्स्ट मॉडल हमारे पास आया था उसकी बात करेंगे, एंड दैट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखिए, हालांकि जूनियर क्लासेस में आप इनको पढ़ चुके हैं, फिर भी पेरोडिसिटी को समझने से पहले एक बार इनके बारे में डिस्कशन होना जरूरी होता है बेटा। तो क्या टॉपिक है हमारा? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से हम इसको समझते हैं, गिवन बाय द साइंटिस्ट न्यूलैंड। लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे एक्चुअल में उन्होंने क्या किया था, एक म्यूजिकल कंसेप्ट को आधार बनाया था अपने क्लासिफिकेशन को एक तरीके से जस्टिफाई करने के। और क्या कहा था उन्होंने, ऑक्टेव आप समझिए कि भाई जो हमारे जो म्यूजिकल टोन्स होती है ना, वो किसी भी उसमें हो, चाइनीज में हो या इंडियन उसमें हो, तो बेसिकली सात होती है। कौन कौन सी? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और देन अगेन रिपीट होता है सा। तो उन्होंने इसी को बेस बनाया बेटा अपने ला को एक तरीके से जस्टिफाई करने के लिए। तो क्या कहा बेटा उन्होंने, उन्होंने कहा कि जब हम, ध्यान सुनिएगा, जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज करते हैं, तो एवरी एथ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट से या तो सेम होती है या सिमिलर होती है या किसी ना किसी एस्पेक्ट्स में उससे मैच। दोबारा समझिए, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, व्हेन वी आर अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, एवरी एथ एलिमेंट विल हैव प्रॉपर्टीज Either same, similar or match in any other aspect to the first element of its state. Clear है? मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7। तो न्यूलैंड ने जो अरेंजमेंट शुरू की थी बेटा वो लिथियम से की थी। यहां पे ये आपको समझना जरूरी है, हाइड्रोजन से नहीं की थी। लिथियम, सोडियम, यू कैन से इसको इस सेंस में लेने के बजाय आप समझिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नोबल गैस उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुए थे तो उसका किस्सा ही नहीं होगा। फ्लोरीन के बाद अब तो हमें नोबल गैस यानी कि नियोन का डिस्कशन होता है, पहले नहीं होता था बेटा क्योंकि नोबल गैस की डिस्कवरी बहुत लेट हुई है। तो उसके बाद फ्लोरीन, नियोन, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन की कोई बात नहीं होगी। और उसके बाद फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैच। इससे ज्यादा उनकी क्लासिफिकेशन भी नहीं थी आपको समझ। यहां जाके उनकी क्लासिफिकेशन एक तरीके से ब्लॉक हो गई। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूलैंड। ठीक है, जब शुरू में उन्होंने ये ट्रेंड बनाया बेटा तो इसको एक तरीके से बकवास बोल दिया, क्या क्या है, कुछ नहीं है इसमें, कोई इंटरेस्टिंग सी बात नहीं है, और एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। लेकिन बाद में जाके रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, एक साइंस का बहुत बड़ा फॉर्म है, जिसने इसको एक तरीके से एक्सेप्ट किया और उन्हें एक अवार्ड भी दिया, दैट इज वेल नोन अवार्ड, डेवी मेडल के नाम से उन्हें एक अवार्ड दिया गया। तो बाद में जाके इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी समझ ली। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एक्चुअल में ये है क्या। नंबर वन, किस पे बेस है बेटा जी? एटॉमिक वेट पर बेस, पॉइंट नंबर वन। नंबर टू, क्या कहता है? एवरी एथ एलिमेंट रिपीट, यू कैन से रिपीट और मैच और सिमिलरिटी विद फर्स्ट एलिमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स। वो कुछ भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आपके एटॉमिक रेडियाई भी हो सकता है, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी हो सकता है, डेंसिटी भी हो सकता है। देखिए, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि एवरी एट एलिमेंट हैव सेम
फर्क है इन चीजों में, सेम की बजाय उन्होंने वर्ड यूज किया था सिमिलर। देखिए फर्क क्या है, जैसे कि लिथियम की अगर मैं बात करूं 1s1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। लिथियम के बाद अगर मैं बात करूं सोडियम की तो क्या हो जाएगा बेटा, 1s2, 2s2, 2p6 और यू कैन से 2p6 हाइड्रोजन लिथियम हो गया, सॉरी लिथियम 1s2, 2s1 और ये आ जाएगा 3s2। तो ये समझिए आप कि ये सिमिलर है, सेम नहीं है, दोनों में फर्क। इसमें 2s में 1 है, इसमें 3s2 है, तो यानी कि इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं। ये नहीं कहा उन्होंने कि सेम सेम नहीं हो सकते, सिमिलरिटीज हो सकती है, प्रॉपर्टीज कुछ हद तक मैच करेंगी, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन वो कुछ ऐसी होंगी जैसे कि वैलेंसी है या ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी है, जो वैलेंसी पे बेस्ड प्रॉपर्टी होगी। तो वो ये कहना चाह रहे थे बेटा कि कहीं से कोई भी एलिमेंट पिक कर लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कार्बन ले लिया, अब यहां से अगर मैं गिनूंगा तो जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी कार्बन से मैच करेगी। चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए इसको अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपके पास हो गया 7th एलिमेंट, ओके 7th, 8th हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सॉरी 8th एलिमेंट बेटा। तो ये एवरी 8th एलिमेंट में क्या आ गया, हमारी प्रॉपर्टी सिमिलर हो गई, हम लोग सोडियम को थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए थे। तो ध्यान दोबारा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोनों सेम ग्रुप में है एक तरीके से, तो प्रॉपर्टी सिमिलर। कहीं से भी शुरू कर लीजिए आप, बेरिलियम से उठा लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बेरिलियम और मैग्नीशियम प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी या एक दूसरे से काफी हद तक मैच। तो ये थे हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, सिर्फ गो थ्रू होना है इनमें से आपको अच्छे से, तो बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। अब इनकी एक डीमेरिट भी होगा, डीमेरिट क्या थी वो समझिए, या यू कैन से दो डीमेरिट्स थी बेसिकली हमारे पास। पहली बात नोबल गैसेस, ये नोबल गैस एक्चुअल में तो डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम तक, तो हम इनकी डीमेरिट्स भी कंसिडर नहीं कर सकते, बट जैसे ही नोबल गैस डिस्कवर हुआ ये पूरा कंसेप्ट फेल। क्यों हुआ क्या बेटा, देखिए लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, नियोन आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, तो जो सोडियम है वो लिथियम से 8th की बजाय 9th पोजीशन पे आ गया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9th पोजीशन। तो जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो कहीं ना कहीं हमारा एक तरीके से वॉयलेट हो गया या जस्टिफाई नहीं हो। तो नोबल गैस की डिस्कवरी इनके लिए एक बहुत बड़ी डिमेरिट रही कि ये नोबल गैस की डिस्कवरी के साथ अपनी इस क्लासिफिकेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए। नंबर टू, हैवियर एलिमेंट, जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है ना बेटा, वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट तक ही एक तरीके से प्रिसाइज रहा, यानी कि यू कैन से कैल्शियम जिसका एटॉमिक वेट हमारे पास कितना है 40, उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें वो जस्टिफाई या अरेंज नहीं कर, सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स तक ही। हाँ लाइटर एलिमेंट्स तक उनका ट्रेंड कहीं ना कहीं सही था, और ध्यान से देखिए ये बेस तैयार हो रहा है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज अब हमें दिखने लगी है जैसे जैसे हम अगले मॉडल्स पे जा रहे हैं। तो इनके मेन पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट और एवरी 8th एलिमेंट हैव सिमिलरिटी विद द फर्स्ट एलिमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स। डीमेरिट क्या है, नोबल गैसेस का कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं था, ना ही बाद में जब नोबल गैस आई तो वो इसके हिसाब से मैनेज हो पाई। और दूसरा दे मतलब उन्होंने जो डिस्कशन किया था वो सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट के बारे में था, जबकि बाद में हमारे पास बहुत हैवियर एलिमेंट भी डिस्कवर हुए, वो भी इस टेबल में अकोमोडेट नहीं हो। क्लियर है, तो ये है बेटा जी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, नोट कर लीजिए।